प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध के 19वें अध्याय के विषय में। सदगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 300 अध्याय। शीर्षक प्रचिताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन बरही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? बरहिस्पतय, मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचिताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया, वह बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचिताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे कि मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम छटा छाई हो। उनके श्री अंगों में मनोहर पीताम्बर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीली सुवर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता, मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों के भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्ति गान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचिताओं की ओर से दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में श्री भगवान ने कहा कि राजपुत्रो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारी इस आदर्श सौंदर्या से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्रचित्र से रुद्र गीत के द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूँगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार की है। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार से ब्रह्मा जी से कम ना होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पुड़ कर देगा। राजकुमारों, कंटू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचना अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों ने राजा चंद्रमा के दयावश अपने मुख में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी उंगली से दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर होकर तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है। इसीलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समस्त अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10,00,000 दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग को भोगोगे। अंत में मेरी अभिचल भक्ति से तुम्हारा हृदय समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों ने कर्म और भगवत दर्पण बुद्धि से होते हुए और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में बीतता है, वे गृहस्था आश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं।
इसीलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्मा उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ, और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को ना मोह हो सकता है और ना ही शोक और ना ही हर्ष। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान के दर्शनों से प्रचिताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुर हृदय श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रचिताओं ने कहा कि प्रभु, आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सतत स्वरूप है। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भगवतों के प्रभु वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान, आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों को निवृत्त करने वाला है। हम अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभो, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को भी इतनी ही कृपा करनी चाहिए। समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्र शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरणों को अंतर्यामी रूप से विराजमान करते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों ना जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता है। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं कि प्रभो, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसीलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर हम आपसे क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हमें अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहे, तब तक जन्म जन्म से हमें आपकी प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत उक्तों के क्षण भर के संग के समान स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ ना समझते, फिर भी मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत उक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाता है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का बैर विरोध या उद्गेज नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों के द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार के भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचकर ना होगा। भगवान, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोगों के श्रेष्ठम वैद्य हैं, अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभो, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रुआ करके गुरु ब्राह्मण और वृद्धजनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहृदयगण बंधुवर्ग और समस्त प्राणियों की वंदना की है और अन्य आदि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आपके सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं।
स्वामी आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयंभू मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और तप और ज्ञान से शुद्धचित हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सतत मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, प्रचेताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथा अस्तु। अप्रतिहत भाव से श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसीलिए वे उन्हें जाने न देना चाहते थे, तथापि वे अपने परमधाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकल कर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे काला अग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन वरही के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझा कर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे उन्होंने डर कर ब्रह्मा जी से कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दे दी। प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश से उस मर्षा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुक मनवंतर आने पर जब काल मल से पूर्व स्वर्ग नष्ट हो गया, तब भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष थे, इन्हीं से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक पद पर अभिषिक्त कर दिया, सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 30वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।